हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप BC547 ट्रांजिस्टर को यूज़ करके आपका जो स्पीकर है उसका जो साउंड है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स आप बना सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था इसको बनाने के लिए, तो आज मैं इसको धीरे धीरे बनाकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए चलिए पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए पहले चाहिए आपको BC547 ट्रांजिस्टर एक, ठीक है। और दोस्तों, आपको चाहिए एक 10 वोल्ट कैपेसिटर, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कैपेसिटर का जो वैल्यू है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 470, ठीक है। ये कैपेसिटर आपको चाहिए। और दोस्तों, आपको चाहिए एक बैटरी क्लिप, ठीक है, इसको पावर देने के लिए। और दोस्तों, आपको चाहिए एक 9 वोल्ट बैटरी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो बैटरी, ये भी आपको चाहिए इसको पावर देने के लिए, ठीक है। कुछ कनेक्टिंग वायर चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, आपको चाहिए एक 10K रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ये आपको चाहिए। और दोस्तों, आपको चाहिए एक स्पीकर, ठीक है, ये 5 वाट का स्पीकर है, ये आपको चाहिए। और दोस्तों, आपको चाहिए एक ऑडियो केबल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 वायर है, हम इस पर से 2 वायर को काम में लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम BC547 ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि 10K रेजिस्टेंस लेना है और इसको यहाँ पर लगा देना है। आपको ध्यान से इसको लगाना होगा शोल्डरिंग आयरन के माध्यम से या कुछ और भी तरीके से। तो चलिए दोस्तों, ये लग गया है यहाँ पर। अब आपको कनेक्टिंग वायर लेना है, उसको ट्रांजिस्टर का जो मिडिल का पार्ट है उसके साथ आपको यहाँ पर शोल्डरिंग कर देना है। चलिए, मैंने यह बात कर दिया है। अब आपको 10K रेजिस्टेंस का जो पार्ट है इस वायर के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, आपको स्पीकर लेना है, स्पीकर का एक वायर है इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, किसी भी एक वायर को। तो चलिए, मैंने एक वायर को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो चलिए, मैंने एक वायर यहाँ पर लगा दिया है और एक जो वायर है इसके साथ आपको क्या करना है, आपको करना है कि बैटरी का जो पॉजिटिव है, बैटरी क्लिप का आप देख सकते हैं, बैटरी क्लिप का जो पॉजिटिव है उसके साथ इसको लगा देना है। तो चलिए, मैंने इसको लगा दिया है और बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट है उसको आपको ट्रांजिस्टर का जो लेग है इस लेग के साथ यहाँ पर लगा देना है। तो चलिए, ये भी लग गया है, तो आप ये बात देख सकते हैं। अब हमें कैपेसिटर लेना है, ठीक है। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग है उसके साथ हमें इसको लगा देना है, ठीक है। तो चलिए, इसको लगा देते हैं। आपको इस पॉजिटिव लेग को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो चलिए, हमने इसको लगा दिया है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें ऑडियो केबल लेना है, ठीक है। इस ऑडियो केबल के जो 2 वायर है आपको बता देता हूँ, ये जो पहला और दूसरा जो वायर है, ठीक है, टर्मिनल जो है इसका जो वायर है आपको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है, कनेक्टिविटी या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से आप चेक कर लेना कौन सी है दोनों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं यहाँ पर चेक कर लिया था, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसका जो रेड वायर है इसको कैपेसिटर का जो नेगेटिव भाषण है नेगेटिव उसके साथ लगा देता हूँ। तो लगा दिया है नेगेटिव के साथ। अब वाइट वायर जो है उसको हमने बैटरी का जो नेगेटिव है उसके साथ लगा देना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर लगा दिया है, तो हमारा जो एम्पलीफायर है वो रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए, अब हम इसको बजा कर देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो चलिए, अब हम इसके साथ बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने बैटरी को यहाँ पर लगा दिया है, अब हम इसके साथ
जो मोबाइल से हम गाना बजाएंगे वो लगा देते हैं, या फिर कोई भी डिवाइस जिससे हम गाना बजा सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम प्ले करते हैं। तो मैं माइक्रोफोन को इसके पास ले जाता हूँ। तो आप शायद सुन पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी साउंड है। ठीक है, तो आप एक बार सुन पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी साउंड है। आप देख सकते हैं गाना भी चल रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको पॉज करता हूँ, आप देख सकते हैं पॉज हो गया है। अब प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मैं इसको साउंड थोड़ा सा कम करता हूँ, तो आप शायद साउंड सुन पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, और किसी भी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था तो मैं उसके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो के बारे में या फिर और भी कुछ वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आपको सर्किट को बहुत ही करीब से दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्किट काम कर रहा है उसी तरह से। चलिए माइक्रोफोन को पास ले आता हूँ। तो गाना ख़त्म हो गया है, चलिए फिर इसको प्ले करता हूँ। I wanna see the light.